सिवान जिले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के रामपुर लौवा प्राथमिक विद्यालय के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जहां मृतक युवक की पहचान भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के मैरसुदामा गांव निवासी काशीनाथ राय के पुत्र पप्पू कुमार राय के रूप में हुई है। वह इस घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मैरसुदामा गांव निवासी पप्पू कुमार की बहन की शादी 21 मई को होनी है, जिसको लेकर पप्पू अपने फुआ को लाने के लिए बाइक से भगवानपुर हाट जा रहा था कि तभी मोरा भगवानपुर हाट मुख्य मार्ग पर रामपुर लौवा प्राथमिक विद्यालय के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पप्पू कुमार घायल होकर वहीं सड़क पर गिर गया, जिसके बाद राहगीरों ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजीव कुमार, एसआई रवि कुमार, एसआई शैलेश कुमार सिंह अस्पताल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्वजन दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पिता काशीनाथ राय, चाचा सुरेंद्र राय व चचेरा भाई पंकज कुमार राय सहित अन्य ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए हैं। इस घटना के बाद स्वजनों के चित्कार से वहां का पूरा माहौल गमगीन हो गया है। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढड़ाल बांध रहे थे। आपको बता दें कि पप्पू की बहन की शादी 21 मई को होनी है, जिसको लेकर घर में काफी सारी तैयारी चली थी। शादी को लेकर परिवार के सभी लोग खुश थे कि तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पप्पू कुमार राय की मौत से परिवार में गम का माहौल कायम हो गया। स्वजनों के चित्कार से वहां का माहौल जो है गमगीन हो गया है। आपको बता दें कि पिता काशीनाथ राय, पत्नी आशा देवी, पुत्री खुशबू कुमारी, शिवानी कुमारी, सलोनी कुमारी समेत अन्य स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। वही आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढड़ाल बांध रहे थे। ज्ञात हो कि मृतक को 3 पुत्री 1 पुत्र है। पप्पू पानीपत में काम करता था। वह अपनी बहन की शादी में छुट्टी लेकर घर आया था। भाई पप्पू कुमार राय के बारे में कौन जानता था कि बहन की डोली को कंधा देने से 2 दिन पूर्व ही भाई की अर्थी उठ जाएगी। वही भाई की मौत पर बहन संगीता कुमारी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। बुजुर्ग पिता काशीनाथ राय रो रोकर यही कह रहे हैं कि मैंने क्या गलती की कि बेटी के विवाह से 2 दिन पूर्व पुत्र की ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीण उन्हें अब ढड़ाल बांध रहे हैं।